आज हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय 3 इसकी प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा भाग हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो हमें समीकरण दिए गए हैं इसको दोनों विधियों से हल करना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा समीकरण को हल कर लेंगे। यहाँ पर हम इसका हल शुरू कर दिया है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का, तो ये तो हो गया 6। अब 6/2 यानी कि 3 आया, तो ऊपर हो जाएगा 3x धन 3 × 6x, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 × 4y बराबर -1। अब ये हमारा हो जाएगा 3x धन 4y बराबर -1/6 यानी कि -6। इसका हमने तिर्यक गुणा कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 मान लेंगे हम। तो इस तरह से ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, नीचे 1 मान लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम होगा 3, तो ये तो हो जाएगा 3x माइनस 1y यानी कि y बराबर 3। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3x ऋण y बराबर, ये 3 × 9, ये समीकरण नंबर बन गया हमारा 2। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विलोपन विधि। तो ये देखिए, इसको हम डायरेक्ट ही माइनस कर सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को। 3x कट जाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये हो जाएगा 3x धन 4y बराबर -6, और नीचे लिखेंगे 3x ऋण y बराबर 9। अब इनको हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो गया ऋण, ये धन और ये वाला ऋण। हम साइड में लिख भी सकते हैं घटाने पर, और ऊपर हमने लिख दिया है तो ज़रूरी नहीं है नीचे लिखना। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 4y और 1y ये हो जाएंगे 5y, क्योंकि चिन्ह ये प्लस वाला माना जाएगा, और -6 − 9 बराबर -15। तो इस तरह से हमारा वाई बराबर आ जाएगा 5 × 3 = 15 यानी कि -3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण y का मान रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो ये समीकरण 2 हमारा ये है 3x − y बराबर 9। 3x − y यानी कि -3 बराबर आ गया 9। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x ऋण धन बराबर 9। ये आ जाएगा 3x बराबर 9 − 3, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 9 − 3, तो हो गया 6, और ये जो ऊपर x गुणा में 3 था ये आ गया भाग में, तो हमारा x बराबर कितना आ गया 2, और y बराबर आ गया हमारा -3। ये हमारे हो गए x और y के मान, ये आ गया आंसर, ये विलोपन विधि से हो गया। अब हम इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से x या y का मान बना लेंगे और उसको हम 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 और 2 लिख लेते हैं हम सबसे पहले। ये समीकरण नंबर 1 है 3x धन 4y बराबर -6, और समीकरण नंबर 2 है 3x ऋण y बराबर 9। ये हमने समीकरण लिख लिए। अब यहाँ से हम y का मान बना लेंगे या फिर यहाँ से बना लेंगे, यहाँ से ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 9 × 3x, ये y बराबर हमारा हो जाएगा 9 × 3x है। अब इसका हम ऋण y बराबर है ये मान, तो यहाँ पर ऋण लग जाएगा y का, ये y का मान हो गया। अब y का मान समीकरण नंबर ये 1 था, 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा 3x धन 4y, 4 × y का मान हमने बना लिया है -9 और -3x बराबर -6। आप इस वाले से भी y का मान बना के इसमें रख सकते हैं, दोनों ही मेथड आसान है। हमने इससे बना के इसमें रखा है पहले में, तो ये हो जाएगा हमारा 3x धन, इसको पहले माइनस को हल कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा -9 और -3x बराबर
ऋण छ। ये हमारा आ जाएगा 3x, 9 चौक 36, ऋण 36, अब धन और धन धन हो जाएंगे, तो 4 3 12x बराबर ऋण छ। ये 3x और 12x हो जाएंगे 15x बराबर ऋण 6 और धन 36, ये तो हो जाएंगे हमारे धन के 30। तो x का मान हमारा आ जाएगा 30/15, x का मान आ गया 2। अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में ही रख दे, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, तो ये है हमारा 3x धन 4y बराबर ऋण 6। अब इसमें हमने x का मान रख दिया, तो 3 × 2 धन 4y बराबर ऋण 6, ये हो गया 3 × 2 = 6 धन 4y बराबर ऋण 6। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4y बराबर ऋण 6 और ये वाला आके हो गया धन 6, सॉरी ये भी हो गया ऋण 6, तो y बराबर हमारा कितना हो गया ऋण 12/4। इस तरह से y का मान आ गया ऋण का 3। ये दोनों विधि से हमने हल कर लिया है। अब इन्होंने साथ में ये भी पूछा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें करने में विलोपन विधि ज़्यादा आसान लगी इसलिए हम लिखेंगे अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। क्यों है अधिक उपयुक्त, क्योंकि ये करने में आसान है। हमने इसको देखिए सीधा ही माइनस कर दिया जब विलोपन विधि से हमने किया था, और प्रतिस्थापन में पहले हमने y का मान बनाया, फिर उसको पुट किया, उसके बाद फिर से y का मान निकाला, इसलिए हमें विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी, देखने के लिए धन्यवाद।